हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे इज न्यूमेन प्रोजेक्शंस जो कि बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जामेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सो न्यूमेन प्रोजेक्शंस यूज क्यों किया जाता है इट इज मेनली यूज टू विजुअलाइज द कंफर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड फ्रॉम फ्रॉम फ्रंट टू बैक बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड का या केमिकल बॉन्ड का कंफर्मेशन एनालिसिस करने के लिए उसका थ्री में इमेज विजुअलाइज करने के लिए हम न्यूमेन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर का यूज

आइटम्स uh, हैं जो जैसे यहाँ पे कार्बन है कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आइटम्स जुड़े हुए हैं एंड इस कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन आइटम जुड़े हुए हैं तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है लेकिन इसका थ्री स्ट्रक्चर हम विजुअलाइज करेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि ये जो कार्बन के साथ जो ये जुड़े हैं ये एक्चुअली में किस पोजिसन में है एंड किस एंगल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सो so, इसी को कंफर्मेशन एनालिसिस कहा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का उसके एटम्स की एग्जैक्ट पोजिसन जानने के लिए उसका कंफर्मेशन एनालिसिस किया जाता है सो so, उस कंफर्मेशन एनालिसिस के लिए हमको उसका थ्री डी इमेज विजुअलाइज करना होता है सो so, इस नॉर्मल स्ट्रक्चर को न्यूमेन uh, प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है जिससे हम उस मॉलिक्यूल का या फिर पे इथेन का एग्जांपल लिए हैं सो so, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है इथेन इथेन का का इसको हम हम से जो है, 3D uh, 3D हम जो है है इमेज या स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे जिससे इस कंफर्मेशन एनालिसिस कर सके सो बेसिकली न्यूमेन प्रोजेक्शन किसी भी मॉलिक्यूल का कंफर्मेशन एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाने वाला स्ट्रक्चर है सो so, यहाँ पे हम जो है इथेन का एग्जाम्पल लेके न्यूमेन प्रोजेक्शन को समझेंगे इथेन जो है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो की सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें होता है एंड ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसमें जिसका केमिकल फॉर्मूला सी टू एस सिक्स होता है एंड ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है अब न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ इथेन को समझने के लिए इसका थ्योरी पोर्शन पहले हम डिस्कस करते हैं तो हेयर द मॉलिक्यूल इज व्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड द कार्बन एटम नियर टू द आई आर रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट तो यहाँ पे जो सबसे जैसे यहां से अगर हम देखें स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर है तो सबसे पहला जो है एक लेंगे, जो सामने होगा हमारा विच मेक एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री विथ ईच अदर ओके सो यहाँ पे पहला पॉइंट आप समझिए जो पहला जो हमारा जो आंखों के सामने जो कार्बन होगा फ्रंट कार्बन जो होगा उसको हम पॉइंट से जो है रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसके साथ जो हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं उसको हम लाइन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आपस में 120 डिग्री एंगल से जो है ये जुड़, ये आपस में 120 डिग्री एंगल बनाते हैं इसी प्रकार विच मेक एन एंगल 120 ट्वेंटी डिग्री विच ईटर एंड द रियर कार्बन जो पीछे वाला जो कार्बन है इज सो सर्कल इसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द बायर सर्कल एंड द एटम्स आर ग्रुप आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय थ्री लाइंस व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद वन अदर सो यहां पे जो हमारा दो कार्बन है तो एक जो फ्रंट वाला कार्बन होगा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड उससे जो तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे जो आपस में एक डिग्री एंगल बनाते हैं उसके बाद जो रियर जो पीछे का जो हमारा कार्बन है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ पे भी जो हमारा जो हाइड्रोजन एटम्स है उनको हम लाइन से डिनोट करेंगे जो आपस में वन ट्वेंटी डिग्री

एक दूसरे के अलाइन होंगे जब दोनों जीरो डिग्री आ, का जो है इनके बीच दूरी होगा एंगल बनाएंगे तो उसको जो है इक्लिप्स कंफर्मेशन कहा जाता है कार्बन का के हाइड्रोजन 60 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो इस प्रकार से न्यूमेन प्रोजेक्शन को जो है हम शो कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल मॉलिक्यूल के नॉर्मल स्ट्रक्चर का हम न्यूमेन प्रोजेक्शन बना के हम उसका कंफर्मेशन एनालिसिस करने यूज कर सकते हैं सो so, न्यूमेन प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रियो के लिए फॉर्मेशन एनालिसिस के लिए जो कि बीएससी एंड एमएससी दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से हेल्पफुल हुए होंगे अगर हेल्पफुल है तो प्लीज आगे की वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग